अनुष्का, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार सरकार की तरफ से 10 लाख तक के लोन देने की प्रक्रिया में थोड़ी राहत दी गई है। अगर आप भी मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत 5 लाख की सब्सिडी और 5 लाख रुपए लोन लेना चाहते हैं तो इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखें, क्योंकि उद्यमी योजना को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। इस बदलाव के बाद अब उद्यमी योजना से लोन लेने वालों को बड़ी राहत मिलने वाली है। यह अपडेट चालू खाते से जुड़ा है। बदलाव के मुताबिक अब सभी वर्ग के युवा और महिलाएं मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में व्यक्तिगत चालू खाता खुलवाकर भी आवेदन को दे सकते हैं। इसके लिए आवेदक को अब फर्म के नाम से चालू खाते का होना जरूरी नहीं है। इस बदलाव के बाद अब आवेदन करने वाले अगर व्यक्तिगत चालू खाता भी खुलवाते हैं तो भी वे मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको बता दें कि इसकी घोषणा हाल ही में उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने ट्वीट कर की थी। उन्होंने बताया कि योजना की प्रगति समीक्षा के बाद यह बात सामने आई थी कि फर्म के नाम से चालू खाता खुलवाने में आवेदकों को काफी सारी समस्याएं आ रही है। पहले यह शर्त तय किया गया था कि आवेदन के लिए रजिस्टर्ड फर्म के नाम से चालू खाता होना चाहिए। बहुत सारे आवेदक जिनका कोई फर्म रजिस्टर्ड नहीं है वो इस आवश्यक शर्त के पूरा नहीं होने की वजह से आवेदन नहीं कर पा रहे थे, इसलिए इस प्रक्रिया को थोड़ा सरल बनाते हुए अब फर्म के अलावे व्यक्तिगत चालू खाता खुलवा करके भी मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लिए आवेदन किया जा सकता है। यह सभी वर्ग के लोगों के लिए मान्य होगा। आपको बताते चले कि बिहार सरकार राज्य में स्वरोजगार और उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए यह योजना चला रही है, जिससे लोग खुद का बिजनेस शुरू करके खुद भी और दूसरे को भी रोजगार उपलब्ध करा सके। इससे बेरोजगारी की समस्या से निजात पाने की राह आसान होगी। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत सरकार उद्योग लगाने वाले युवाओं और महिलाओं को 10 लाख तक की आर्थिक सहायता देती है। आपको बता दें कि बिहार सरकार ने साल 2018 में सबसे पहले कमजोर वर्ग के लोगों के लिए मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति जनजाति उद्यमी योजना को शुरू किया था, जिसके बाद साल 2020 में इसमें अत्यंत पिछड़ा वर्ग को शामिल किया। मगर अब इसी साल राज्य सरकार ने सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग और महिलाओं को भी इस योजना का लाभ देने का फैसला लिया है। इसके तहत सरकार स्वरोजगार के लिए 10 लाख रुपए तक का लोन देगी। इसमें से 5 लाख रुपए अनुदान के रूप में मिलेंगे, यानी कि 5 लाख तक माफ किए जा सकते हैं, तो वही 5 लाख रुपए सरकार को 84 किस्तों में चुकाने होंगे। यहां महिलाओं को एक खास सुविधा सरकार दे रही है। दरअसल महिलाओं को जो 5 लाख रुपए चुकाने होंगे उनमें 1 रुपए भी ब्याज नहीं देना होगा। महिलाएं ब्याज रहित 5 लाख रुपए चुकाएंगी। वहीं एससी एसटी और अति पिछड़ा वर्ग को भी 5 लाख अनुदान के साथ ही साथ ब्याज रहित 5 लाख रुपए लोन मिलेंगे, तो वहीं सामान्य पुरुषों को 1% ब्याज दर के साथ 5 लाख रुपए चुकाने होंगे। ये 10 लाख 2 किस्तों में आपको मिलेंगे। अगर आप भी आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए आप आधिकारिक वेबसाइट udyami.bihar.gov.in पर जा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।